वेरी गुड मॉर्निंग मॉडर्न चैम्स हाव यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉय योर स्टडीज एट होम्स स्टूडेंट्स टेक आउट योर ई वी एस बुक्स एंड कॉपीज ओपिनिय चैप्टर सिक्सटीन चर्पी द लिटिल बर्डी बच्चों इस चैप्टर का ऑलमोस्ट हमने बुकवर्क एंड कॉपी वर्क फिनिश कर लिया है आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की सो so, जिन बच्चों ने बुकवर्क ना फिनिश किया हो वो प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट करके वहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर सकते हैं सो टेक आउट योर ई कॉपी एंड योर पेंसिल एंड योर इरेजर स्टार्ट राइटिंग चैप्टर सिक्सटीन चर्पी द लिटिल बर्डी ठीक है आपको सबसे पहले अपने कॉपी uh, में हेडिंग डालनी है चैप्टर सिक्सटीन चर्पी द लिटिल बर्डी और उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप इसको लिखेंगे फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन को राइट करेंगे हो वॉज चर्पी चर्पी कौन थी सो आंसर इज चर्पी वॉज अ लिटिल बर्ड चर्पी एक छोटी सी चिड़िया थी ठीक है ये आपका हो गया आंसर वन अब क्वेश्चन नंबर टू इज वेयर वॉज चर्पीज़ होम चर्पीज़ होम वॉज इन द फॉरेस्ट चर्पी का घर कहाँ था चर्पी का घर फॉरेस्ट में था जंगल में था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन थ्री है नेम टू एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द फॉरेस्ट कोई दो एनिमल्स के नाम बताइए जो कि फॉरेस्ट में मिलते हैं सो एलिफेंट एंड टाइगर ठीक है लायन एलिफेंट एंड लायन और भी बहुत सारे एनिमल्स uh, हैं जो हमें मिलते हैं बट हमें सिर्फ टू लिखने हैं तो हमने टू ही लिखे ओके okay? होपफुली आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे होंगे आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और चेक करने के लिए क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे सो so, क्या क्या हैं आपके तीन क्वेश्चन चरपी कौन थी चरपी एक चिड़िया थी और दूसरा क्वेश्चन है चरपी कहाँ रहती थी चरपी जंगल में रहती थी दो फॉरेस्ट के जंगल के एनिमल्स का नाम लायन एंड एलिफेंट ठीक है और भी आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक यू अ नाइस डे